अब हम टॉपिक ले रहे हैं काउंसलिंग प्रोसेस का। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन। काउंसलिंग प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट होता है इनिशियल डिस्क्लोजर से, जहां पर सारी चीजें आती हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग में। एक काउंसलर अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने का ट्राई करता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, उसके सारे इनसाइट्स लेता है। यहाँ पर सारी चीजें आती हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, कैसा काउंसलर कर रहा है, कैसा एनवायरमेंट वो बना रहा है अपने क्लाइंट के लिए कि वो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज होती है रिलेशनशिप बिल्डिंग। देन इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन, इसका मतलब कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सारा देखा जाता है, सारा असेसमेंट किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीजें, कैसे काउंसलर अपने क्लाइंट को क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है जिससे क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो यहाँ पे सारे प्रॉब्लम को देखा जाता है। देन वी हैव कमिटमेंट टू एक्शन। कमिटमेंट टू एक्शन मीन्स कि यहाँ पर जो भी हमें अब हमें प्रॉब्लम पता लग गई, अब हमें गोल सेट करना है कि अच्छा अब हमें इस प्रॉब्लम को यहां तक पहुंचाना है, इस प्रॉब्लम को यहां तक पहुंचा के उसको खत्म करना है, तो यहाँ पे गोल सेटिंग किया जाता है। देन स्टेप फोर इज काउंसलिंग। यहाँ पे काउंसलिंग दी जाती है, जो भी अब प्रॉब्लम हमें पता लग गई, इसकी असेसमेंट हो गई, हमारा गोल सेट हो गया, तो यहाँ पर सारी गाइडलाइंस है जो भी काउंसलिंग को काउंसलर को करना है उसका सारा प्रोसेस होता है। तो मेन चीज होती है यहां पर आकर। देन वी हैव अवैल्यूएशन। अवैल्यूएशन में कि जो भी काउंसलर ने सपोर्ट दिया है क्लाइंट को, क्या उसका रिजल्ट निकल के आया। हो सकता है कि यहां पर मे बी रिजल्ट ना आए, तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो काउंसलिंग टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो काउंसलर रेफर कर दे उस क्लाइंट को किसी और काउंसलिंग में, ठीक है, हो सकता है अपने सीनियर को रेफर कर दे। देन स्टेप सिक्स, अगर वो डोमिनेट नहीं हो रहा या वो रेफर नहीं हो रहा, मे बी रेफरल में भी ये फॉलो अप हो सकता है या वैल्यूएशन के बाद फॉलो अप करेगा कि जो जो काउंसलिंग प्रोसेस में हुआ क्या वो उसको क्लाइंट की लाइफ में चेंजेस ला पाया या क्या चेंजेस आए, तो ये स्टेप्स होते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के। हम टॉपिक ले रहे हैं काउंसलर की क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशंस पे, कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एक प्रोफेशनल काउंसलर बनने के लिए। सबसे पहले तो एक जनरल एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन, जो भी ग्रेजुएट, तो एटलीस्ट एक जनरल जो होना चाहिए। देन प्रोफेशनल एजुकेशन, मास्टर्स डिग्री काउंसलिंग में होनी चाहिए, ठीक है। देन वी हैव कोर एरियाज ऑफ ट्रेनिंग, कि कई एरियाज होते हैं, जैसे साइकोलॉजी एक मेन एरिया होता है एक काउंसलर बनने के लिए, तो उस एरिया में ट्रेनिंग लेना, उस एरिया की एजुकेशन लेना, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये सारी फील्ड में ट्रेनिंग जरूरी होती है इन एरियाज में। देन ट्रेनिंग इन वेरियस एरियाज एज वेल, कई और एरियाज होते हैं, कोर एरियाज तो साइकोलॉजी है ही, लेकिन बाकी सारे एरियाज भी हैं जो कवर होने चाहिए, लाइक ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, बिहेवियरल साइंसेस एंड एजुकेशनल फिलॉसफी। उसके बाद एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एक क्वालिफिकेशन में नहीं, बट आप जनरल में उसको लिख सकते हो कि एक्सपीरियंस होगा तो कोई भी जो काउंसलर होगा वो बेटर काउंसलिंग करता है। देन वी हैव क्वालिटीज। क्वालिटीज जनरल क्वालिटीज आप लिख सकते हैं। इसमें मैं आपको स्किल बेसिस पे बता रही हूँ क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए एक काउंसलर में। सबसे पहले तो रिलेशनशिप स्किल्स। रिलेशनशिप बिल्ड होगा तभी एक क्लाइंट अपने काउंसलर के साथ ओपन अप हो पाएगा, अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाएगा। तो रिलेशनशिप स्किल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप लिख सकते हो अबाउट एनवायरमेंट, अबाउट प्रोवाइडिंग ऐसा एटमॉस्फेयर टू द क्लाइंट कि वो अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। देन कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, आपका बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, आप कैसे वर्बल एक्सप्रेशंस हैं आपके, आप भी नेचुरल रहो, ज़्यादा रैंडमली क्वेश्चंस ना आस्क करते हुए, मतलब एकदम रैंडम कुछ भी नहीं बोल के एक प्रोसीजर में और नेचुरली, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चनिंग स्किल्स, लाइक ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना, प्रॉबिंग क्वेश्चंस पूछना। प्रॉबिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जो अगर काउंसलर प्रॉब कर रहा है, यानी कि क्लाइंट को ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है जो क्लाइंट सोच कर या एक थॉट लेकर आंसर दे रहा है, उसके अंदर की जो भी फीलिंग्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो निकल पा रही हैं उन क्वेश्चंस की वजह से, उन
एक वे है जिससे क्लाइंट के सारे प्रॉब्लम्स बाहर आ सकते हैं। इसमें क्वेश्चनिंग स्किल्स को यूज करते हुए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, एक और रैंडमली कुछ भी नहीं पूछना है। जो भी रिलेटेड टू जिसका भी आंसर काउंसलर जानना चाहता है उसी हिसाब से क्वेश्चंस जनरेट होने चाहिए। देन लिसनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमें कोई सीरियसली सुनता है तभी कोई ना कोई बात का इफेक्ट आता है। तो अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो भी क्लाइंट बोल रहा है उसको आप समझो, काउंसलर को उस चीज को समझना चाहिए, और चाहे वो वर्बल मैसेजेस हों या नॉन वर्बल मैसेजेस हों उनको समझना चाहिए। ऑल्सो एक्टिव लिसनर होना चाहिए काउंसलर एंड एम्पैथी के साथ सुनना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिटीज। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ अ टीचर एज काउंसलर, कि क्या क्या रोल होने चाहिए एक टीचर के एज अ काउंसलर। वैसे तो टीचर का रोल होता है कि टीच करना, पढ़ाना, और काउंसलर का रोल होता है काउंसलिंग करना। बट जब ये दोनों मिल जाते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर स्कूल्स में आप देखेंगे कि टीचर एक काउंसलर का रोल निभा रहा होता है। इसमें कई पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट का एक पोटेंशियल हो गया। अगर आपको स्टूडेंट के पोटेंशियल को जानना है तो आप उसके साथ काउंसलिंग कर सकते हैं, एज अ काउंसलर उसके लिए रोल निभा सकते हैं। करियर प्लानिंग, जैसे कई बार स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनको क्या करियर फॉलो करना है, तो उसमें टीचर एक काउंसलर के रूप में उसको समझा सकता है। देन काउंसलिंग, यही बात कि दोनों का प्रोफेशन अलग है, टीचर का टीचिंग करना और काउंसलर, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टीचर के लिए। ठीक है, देन नोटिस द बिहेवियर, जो भी बिहेवियरल चेंज आ रहा है, कोई इमोशनल चेंज, कोई साइकोलॉजिकल चेंज, उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो वो एक टीचर को नोटिस करना चाहिए एंड उस बेसिस पे उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। देन एवेल्युएशन में बेसिकली मीनिंग है फॉलो अप, की जो भी आप काउंसलिंग दे रहे हैं उसका क्या इफेक्ट आ रहा है वो फॉलो अप ले रहे हैं। देन स्कूल्स काउंसलिंग प्रोग्राम, मतलब टीचर्स एक हेल्प दे सकता है स्कूल के काउंसलिंग प्रोग्राम में, अपना सारा सपोर्ट दे सकता है, तो ये रोल एक टीचर निभाता है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, डिफरेंसेस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं कि दोनों का मीनिंग सेम है, बट ऐसा नहीं है, थोड़े से डिफरेंसेस हैं इसमें। जैसे गाइडेंस जो है एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट इसीलिए क्योंकि काउंसलिंग एक टेक्निक है गाइडेंस की ही, तो काउंसलिंग अंडर गाइडेंस आ जाता है, इसीलिए गाइडेंस जो है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है एंड काउंसलिंग एक नैरो कंसेप्ट है, इट्स जस्ट अ टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग गाइडेंस, राइट। देन वी हैव गाइडेंस में वी यूज, जो काउंसलर है जो गाइड कर रहे हैं वो यूज करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, और काउंसलिंग में इंटरव्यू टेक्निक्स यूज की जाती हैं। ठीक है, गाइडेंस में जरूरी नहीं है कि जो गाइड कर रहे हैं उनमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट काउंसलिंग में एज हमने अभी क्वालिफिकेशंस पढ़ी हैं काउंसलर की, तो बहुत जरूरी है कि वो ट्रेन होना चाहिए उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर फील्ड में। हो सकता है कि गाइड जो कर रहे हैं उनको इतनी ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है अबाउट साइकोलॉजी, अबाउट बिहेवियरल चेंजेस, लेकिन काउंसलिंग में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देन वी हैव गाइडेंस इंक्लूड्स एजुकेशनल, वोकेशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल गाइडेंस, एवरीथिंग, राइट, बट काउंसलिंग इज मोर ऑफ अ पर्सनल, इट इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल नेचर, राइट। देन वी हैव गाइडेंस में रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर एंड काउंसलिंग इज नॉट necessary, like it's not close, okay, but counseling, because counseling is like of a long process, so closeness is very necessary between a counselor and counseling or the client, okay. Guidance mein zaruri nahi hai ki ek continuous contact bane, contact rahe, lekin counseling mein ek contact hona, continue contact hona between a counselor and client is required, okay. I hope aapko sab kuch samajh aaya ho। ये हमारा काउंसलिंग का टॉपिक था जिसमें अंडरस्टैंडिंग काउंसलिंग मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू कॉलेज ट्यूटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।